पहले प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी, वो भी ठंडा पीने का पानी, मुझे लगता है अपने आप में ये भगवान का काम यदि आपने शुरू किया है, राहुल आपने शुरू किया है, मैं आप दोनों का अभिनंदन करूंगा। और बांद्रा या ऐसी भूमि है, सबसे इनोवेटिव काम यहीं पर होता है, सबसे सेवा का काम यहीं पर होता है, सबके दिलों के ऊपर सोच रखकर करने का काम बांद्रा में ही होता है, क्योंकि बांद्रा का एमएलए आशीष है। वो आप सबके आशीर्वाद से आगे भी अच्छा काम करेंगे। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से मैं आप दोनों का नाम ऑनरेबल गवर्नर साहब को प्रपोज करूंगा। फेलिसिटेशन हो, और नाम प्रपोज भी नहीं करूंगा, फेलिसिटेशन करवा के मिलूंगा। आप लोग खुद दिन भर बाहर रहते हैं, आप लोगों से बेहतर ये कौन जान सकता है। और देख रहे हैं हम लोग घर में एसी के अंदर भी होते हैं तो इतनी गर्मी हो रही है, और जो दिन रात बाहर काम करते हैं उनका जो हाल हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो टेम्परेचर इतना हीट वेव जो चल रहा है और लोग गर्मी से बेहाल हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मानसून आने तक हर दिन हर जगह पे पूरे बॉम्बे में हम लोग पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और नारियल पानी हो गया और नींबू पानी हो गया और पानी हो गए, ताकि जो भाई बहन हमारे दिन रात बाहर धूप में घूम रहे हैं उनका काम ये है, तो उनको थोड़ी राहत मिल सके। हाँ, छाता आप कई सालों से हम लोग ये अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का इनिशिएटिव कर रहे हैं, और करीब पूरे महाराष्ट्र में इस साल हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग पूरे भारत में पहुँचे और बारिश में राहत हो। बहुत लोग हैं ऐसे, हमको लगता है कि अम्ब्रेला एक छोटा सा चीज़ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो लोग बारिश में भींगते हैं उनको इसका महत्व मालूम है। और हम लोगों ने देखा है कई लोग जो बेघर होते हैं, जो फुटपाथ पे होते हैं, उनको एक छतरी का भी जो सहारा होता है वो अपने आप में बहुत है। और हम लोग का ये कोशिश है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को ये अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन करें, ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। हाँ, बॉम्बे में हम लोग का कोशिश, आप आज जैसे इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि बांद्रा से अंधेरी तक है, फिर वर्ली से हम लोग मालाबार हिल तक, हर जगह पे हम लोगों को मेघा श्रेय और आई लव मुंबई की तरफ से हम लोग ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखे हैं। और हर जगह आपको ये टेंट मिलेंगे, हमारे वॉलेंटियर मिलेंगे आपको, और जो पूरे दिन भर लाइक 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे वॉलेंटियर ये कंटिन्यूसली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनिशिएटिव है वो कर रहे हैं हम लोग। ठंडा पानी, मैं बोली आपको कि नींबू पानी होगा, नारियल पानी होगा और पानी होगा। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग बोलते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न माने ने। तो वैष्णव इंसानियत वही है जो दूसरे का दुख समझे, जो इतनी गर्मी में तपती हुई धूप में काम कर रहे हैं। हमारे आज इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, आप देख रहे हैं कितने सारे लेबर्स जो रोड पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा आप मीडिया वाले दिन रात हर जगह भागदौड़ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बहुत सराहना करती हूँ। आप लोग सब लोगों का हर न्यूज़ पहुँचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई एक बॉटल ठंडा पानी दे तो आप लोगों को कितना खुशी होगा, तो राहत महसूस होती है। तो हमारी वही कोशिश है कि जो प्यासे हैं गर्मी में, एटलीस्ट एक छोटा सा हम लोगों की तरफ से ये इनिशिएटिव है, आने वाले 10-15 दिनों तक हमारे वॉलेंटियर पूरे बॉम्बे में आप लोगों को दिखेंगे। सीमा जी, ये पैकेज वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको लोकल प्रशासन की कितनी हेल्प मिल रही है, और क्या टारगेट हैं, कितने लोगों तक पहुँचना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग तो ये अपने एनजीओ के थ्रू मैं कर रही हूँ, मेघा श्रेय और हमारे भाई राहुल कनाल हैं, हम लोग दोनों मिलकर ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। और प्रशासन में हम लोग ने हमारे जो आशीष सेलार जी हैं उनको भी हमने बुलाया है, आज ये प्रोग्राम का हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, ऑफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। और कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, बट ये बेसिकली हमारा मेघा श्रेय और आई लव मुंबई का इनिशिएटिव है। थैंक यू।